आदाब नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब से। दोस्तों, आज मेरी तबीयत अलील है और नज़ला ज़ुकाम अपने ज़ोरों पर है, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड करने का इरादा किया कि आप कहीं सफ़र ना करें। हमारा चैप्टर चल रहा है मसनवी, जो यूनिट 2 में है, तो आज हम आपके लिए निज़ामी बेदरी कि कदम रहा पदम रहा मसनवी लेकर हाजिर हुए हैं। बहमनी अहद में उर्दू मसनवी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से मसनवी का इर्तका है कि दक्कन में उर्दू मसनवी का बाज़ाबता आगाज़ बहमनी अहद से होता है। किस अहद से होता है? बहमनी अहद से होता है। इस अहद की जो सबसे कदीम मसनवी दस्तयाब हुई है वो है निज़ामी बेदरी कि कदम रहा पदम रहा, यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी आपका पूरा नाम है, फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम रहा पदम रहा। इस मसनवी का एक ही नुस्खा दरियाफ्त हुआ है जो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के कुतुब खाने में ख़जाने में रखी हुई है। ये नुस्खा यानी उनके ख़जाने में रखा हुआ है। इसमें दरमियान के कुछ औराक और आखिर के भी कुछ औराक गायब हैं। ये बताना भी मुश्किल है कि इस मसनवी का नाम शायर ने क्या रखा था और ये किस सन में लिखी गई। इसमें राजा कदमराव और इसके वजीर पदमराव का किस्सा नज़्म किया गया है। मसनवी कदमराव पदमराव में किसका किस्सा नज़्म किया गया है? तो जवाब है, इनके वजीर पदमराव का किस्सा नज़्म किया गया है। इस मसनवी को जमीलुद्दीन जालवी ने अपने मुकदमे के साथ मुरतब करके शाये किया। किसने शाये किया इसको? जमीलुद्दीन जालवी ने। डॉक्टर जमील जालवी ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि उर्दू ज़बान की ये पहली मसनवी अहमद शाह वली बहमनी के दौरे हुकूमत 1421 मुताबिक 825 हिजरी ता 1438-1439 में तहरीर की गई है, लेकिन गुमान गालिब है कि यह मसनवी बेदर में लिखी गई। बेदर एक जगह का नाम है, इसलिए ये निज़ामी बेदर आगे लगाया गया है। बेदर एक शहर का नाम है। बेदर में लिखी गई, कहाँ लिखी गई ये मसनवी, कहाँ लिखी गई हमें याद रखना है दोस्तों, बेदर में लिखी गई। इसलिए कि शाह वली बहमनी ने 834 हिजरी में गुलबर्गा के बजाय बेदर को अपना पाया तख्त बना लिया। ये अगर बेदर में लिखी गई है तो निज़ामी ने इसे 1430 मुताबिक 834 हिजरी और 1435 मुताबिक 839 के दरमियानी अरसे में तसनीफ की होगी। ये बात बहुत उम्दा है और ये हमें याद रखना है दोस्तों। मसनवी कदम रहा पदम रहा ना सिर्फ उर्दू की पहली मसनवी होने के एतबार से दर्जा इम्तियाज़ रखती है, बल्कि इस लिहाज से भी अहम है कि इसके मुताले से इस दौर के लोगों के रस्म व रिवाज, तहजीब व मुआशरत, अख़लाक व आदात, ख़यालात व तसव्वुरात, तोहमात व एतक़ादात पर रोशनी पड़ती है। इस मसनवी के फ़ज़ा खालिसन हिंदुस्तानी है। ये इसकी फ़िज़ा कौन सी है? हिंदुस्तानी है। मुसन्निफ़ के तर्ज़ व फ़िक्र एहसास पर हिंदुस्तानी रंग गालिब है। निज़ामी ने जहाँ हिंदू तलमीहात का इस्तेमाल किया है वहीं इस्लामी तलमीहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। किस्से को दिलचस्प बनाने के लिए माफूकुल फितरत अनासिर का सहारा भी लिया है। इसमें रोज़मर्रा महावरात और कहावतों का इस्तेमाल बड़ी फनकारी से किया है। बहमनी सल्तनत दक्कन की पहली खुदमख्तार सल्तनत है। इसका बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। ये सल्तनत 1347 में कायम हुई। इस सल्तनत के अक्सर बादशाह बड़े इल्म दोस्त थे, अदब नवाज और आलिमों और अहले कमाल के कदरदान थे। दक्कन में उर्दू मसनवी का बाज़ाबता आगाज़ इसी अहद से होता है। इस अहद की सबसे कदीम मसनवी
جو اب تک دستیاب ہوئی ہے وہ نظامی بیدری کی مثنوی قدم را پدم را ہے۔ اس کے بعد اشرف بیابانی کی مثنوی نو سرہار ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثنوی قدم را پدم را کا قصہ غیر مذہبی ہے، تو نو سرہار کا قصہ مذہبی ہے جس میں کربلا کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ مختصر خلاصہ تھا قدم را پدم را مثنوی کا۔ آئیے اب یہ سوالات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے، تو جواب دیجیے گا قدم را پدم را۔ مثنوی قدم را پدم را کی حیثیت کیا ہے، تو ایک راجہ کی ہے۔ مثنوی قدم را پدم را بہمنی خاندان کے کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی، تو جواب دیجیے گا احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے، تو جواب دیجیے گا فخر الدین نظامی۔ مثنوی قدم را پدم را کا مصنف کون ہے، فخر الدین نظامی یا نظامی بیدری۔ مثنوی قدم را پدم را کا موضوع کیا ہے، تو جواب ہے عشقیہ ہے۔ اردو کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سی ہے، تو جواب ہے قدم را پدم را۔ دکن کی پہلی عشقیہ مثنوی کون سی ہے، جواب ہے ہمارا قدم را پدم را۔ نواں سوال، دکنی شاعر فخر الدین نظامی کی مثنوی کا نام کیا ہے، تو جواب دیجیے گا قدم را پدم را۔ دسواں سوال ہے، اردو کی پہلی منظوم داستان کون سی ہے، تو جواب دیجیے گا قدم را پدم را، جو 1435 میں منظر عام پر آئی۔ مثنوی قدم را پدم را نظامی نے کہاں لکھی تھی، تو جواب ہے بیدری میں۔ بیدری ایک جگہ ہے جو گلبرگہ سے آگے ہے۔ دکن میں اردو مثنوی کا باقاعدہ آغاز کس عہد سے ہوتا ہے، تو جواب ہے ولی بہمنی عہد، یعنی احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد سے ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھا ایک مختصر ویڈیو آپ کے لیے مثنوی قدم را پدم را، جو آپ کے نیٹ کے یونٹ نمبر 2 میں ہے۔ تو ہم نے 3 مثنویاں آپ کے لیے مکمل کر دی ہیں۔ اب کتب مستری رہ گئی ہے، پھول ون ہے اور بکٹ کہانی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔